प्रैक्टिकल नंबर तरतीब से 5 है, बुक से 7 है। पॉसिबल सैंपल 3 साइज के बनाएं, पॉपुलेशन जिसमें 4, 8, 10 और 12 है। फिर इसका मीन निकालें, मीडियन निकालें सैंपल का, फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन निकालें और फिर प्रूफ भी करें इसको। ठीक है, ये हमारा सैंपल आ गया। इसका स्केयर ले लिया, फिर दोनों का सम, इसका सम 34, इसका 324। और मीन के लिए समेशन एक्स ओवर एन, 34/1, 2, 3, 4, 8.5 आ गया। वेरियंस के लिए समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस म्यू का स्केयर। तो ये ठीक है, ये आंसर लिख दिया होगा डायरेक्ट, ज़्यादा ही डायरेक्ट किया। अब थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर लेना, यानी कि स्केयर ये सम आ गया, 4 से डिवाइड कर लेंगे माइनस, फिर इसका स्केयर लेके दोनों को माइनस करेंगे और फिर जजर ले लेंगे। ठीक है जी, ये वाली बात है कि ना कर दूँ, आवाज़ नहीं आई, करूँ कि नहीं? अच्छा कर दूँ, ये देखें 324/4 माइनस म्यू का आया है 8.5, उसका स्केयर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 324 नज़र आ रहा है डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81, 8.5 को स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा 72.25, दोनों को माइनस कर लें 8.75, इसका जजर ले लेते हैं तो 2.95 आगे, 8 है तो राउंड करेंगे तो 2.96 आ जाएगा। डन, सैंपल बनाने हैं। ठीक है, 4, 8, 10, 12, इधर भी 4, 8, 10, 12, 4, 4, 4, 8, 4, 10, 4, 12, सिमिलरली दूसरे भी आप बना लेंगे। फिर 3 का बनाने के लिए ये सारे सैंपल तरतीब से इधर ले लेंगे। ठीक है, और फिर आगे 4, 8, 10, 12, पहले 4, 4, 4 के साथ, 4, 8, 4 के साथ, इसी तरह। और फिर इसका मीन भी साथ ही बना लेना है। मीन कैसे बनाते हैं, 4+4+4 डिवाइडेड बाई 3, यानी जितनी रकमें हों उतने से ही डिवाइड करना है। इस तरह इन सब के मीन बना लेने आपने। ओके, अगर मैं ये सारी वैल्यूज बोलने बैठ जाऊँ ना तो वैल्यू मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आप इसको वीडियो को पास करके ना खुद ही देख लें। आगे फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है, तरतीब से आपने वैल्यूज ले लेनी है। 4 है, 4.6, 3, 3 है, 6, 6.7, 7.3, 8, 8.1, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी है, 4 कितनी दफ़ा आया हुआ है, ये कितनी दफ़ा आया हुआ है, वो आगे लिख लेने, टोटल करके आगे फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने, इन सबको 64 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ये 1 आना चाहिए सब। उसके बाद इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना लेंगे, इसका सम 5/4/64 है। और दोबारा इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका सम 4810.7/64 हो जाएगा। इसमें मीन के लिए क्या होगा, इस वाले कॉलम का सम लेके डिवाइड कर लेना है तो 8.5 आ गए। और वेरिएंस के लिए
थर्ड वाले जो लास्ट वाला कॉलम था। ओके मिशन एक्स के रफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का हो सके, तो ये डिवाइड करके आ गया आंसर। और फिर इसका जिधर ले लेंगे तो 1.71 आ जाएगा। वेरीफाई में ठीक है वही वैल्यूज दोबारा आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी डन हो गया।